हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पके हुए केले से आप किस तरह से यूज़ करके एक रेसिपी बना सकते हैं। ये देखिए केले थोड़े से पके हुए हैं और इस तरह के केले जब हो जाते हैं तो कोई भी खाना उनको पसंद नहीं करता। ये देखिए नीचे की साइड से सारे काले पड़े हुए हैं। तो इस तरह के केले से हम कोई रेसिपी बना सकते हैं और अपने बच्चों को बहुत ही आराम से खिला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनके तैयार होती है पके हुए केले से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ केले की खीर बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप पके हुए केले से ये खीर बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिया है और उसको अच्छी तरह से बॉयल आने तक बॉयल कर लिया है। ये देखिए अच्छे से बॉयल आ चुका है इसमें। तो बॉयल आ चुका है इसमें और अब इसमें हम, ये मेरे पास है काजू का पाउडर, इसको मैंने 1 मुट्ठी काजू लेके और मिक्सी में पीस लिया है। तो इसमें से मैं 2 से 3 चम्मच काजू का पाउडर इसके अंदर ऐड करूँगी, जिससे इसमें थोड़ी सी थिकनेस आएगी और टेस्ट भी आएगा। 1 चम्मच और ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए मिक्स करना है, अदरवाइज़ इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो इसको हम चलाते रहेंगे जब तक इसमें बिल्कुल जो भी लम्स रह गए हैं थोड़े बहुत वो निकल ना जाए, तब तक इसको चलाएंगे और सारे लम्स को रिमूव कर लेंगे जो दूध के अंदर गुठलियाँ पड़ी हुई हैं जो हमने काजू का पाउडर डाला है उसकी वजह से। तो इसको चलाते हुए इस तरह से स्पून की हेल्प से सब रिमूव कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं कर रही हूँ। तो बस ये हमारी जो लम्स थे वो रिमूव हो गए हैं। अब इसमें हम सैफ्रॉन ऐड करेंगे, केसर के कुछ स्ट्रैंड्स, कुछ धागे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। केसर के धागे डालने से बहुत ही अच्छा कलर आएगा हमारी खीर का और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना केसर के भी इसे बना सकते हैं। तो इसको मिक्स करते हुए हम दूध को थोड़ा सा रिड्यूस होने तक, यानी कि गाढ़ा होने तक पकाएंगे। हमने इसमें केसर के स्ट्रैंड्स डाल लिए हैं और साथ ही साथ काजू का पाउडर भी डाल लिया है। तो केसर से हमारी जो खीर है उसमें बहुत अच्छा सा कलर आएगा और काजू का पाउडर जो ऐड किया है उससे हमारी खीर में थिकनेस आएगी, यानी कि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसी तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये देखिए दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो गया पहले से और जो हमारी खीर है उसमें थोड़ी सी थिकनेस भी आ गई है। थोड़ा सा और पकाते हैं इसे 2 मिनट के लिए। अब इसमें हम चीनी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर ली है, तकरीबन मैंने 4 छोटे चम्मच यहाँ पे चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चीनी को मिक्स करके मैंने यहाँ पे से 2 मिनट के लिए पका लिया है और उसके बाद यहाँ पे हमने इलायची पाउडर ऐड कर दिया है 1/2 चम्मच। इलायची पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है खीर में, तो अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। तो बस हमारा जो मिल्क है वो रिड्यूस हो गया है, काफ़ी थिक हो गया है पहले से। ये देखिए अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा। तो बस इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और हमारे जो केले हैं उनको हम काट के तैयार करेंगे। तो ये जो 2 केले हैं इनमें से एक को मैं काट के मैश करने वाली हूँ और एक को मैं काट के छोटे छोटे पीसेस में काट के मैं इसे ऐड करूँगी दूध के अंदर। तो चलिए इसको सबसे पहले हम पील कर लेते हैं। तो दोनों केलों को हम पहले पील करेंगे, छील लेंगे और उसके बाद हम इनको कट करेंगे। तो बस हमने ये दोनों पील कर लिए हैं और इसके जो धागे हैं इस तरह के इनको भी निकाल देते हैं। तो अब एक नाइफ की हेल्प से हम इन्हें छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा केला अंदर से ख़राब तो नहीं है। तो बस इनको हमने काट लिया इस तरह से, एक केले को हमने काट लिया है और एक को और काट रहे हैं। तो इनको अलग अलग काटना है आपको, तो मैं बड़े बड़े पीसेस में इसलिए कट कर रही हूँ कि इसको मैं मैश करूँगी और दूसरे वाले केले को मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। इस तरह से बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे इसको। तो मैंने इतने छोटे छोटे पीसेस में से कट कर लिया है और इस वाले
केले को हम मैश कर लेंगे एक मैशर की हेल्प से। तो इस तरह से इसे मैश कर लेना है हमें। तो बनाना को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, ये देखिए इस तरह से मैश करना है बिल्कुल आपको बारीक। और उसके बाद हम इस बनाना को जो हमने मैश किया है उसे हम दूध के अंदर ऐड करेंगे, और उसके बाद जो हमारे छोटे छोटे चंक्स हमने काट के रखे हैं उनको भी हम ऐड करेंगे। तो पहले हम ये बनाना का पेस्ट जो है इसे ऐड कर लेते हैं, और दूध हमारा जो है ठंडा हो चुका है बिल्कुल, तो ठंडे दूध में हमें इसे डालना है, ये देखिए। तो अब इसमें हम ये मैश किया हुआ बनाना ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे जिससे हमारी खीर का टेक्सचर एकदम क्रीमी सा हो जाए, एकदम गाढ़ा हो जाए। तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये बनाना अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया है दूध के साथ, ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम बनाना के जो चंक्स हैं वो ऐड कर लेंगे, मिक्स करेंगे इसे, और हमारी खीर जो है सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमने दूध को पहले ही ठंडा कर लिया था, आप चाहें तो इसे और ठंडा कर सकते हैं, फ्रिज में रख के चिल्ड एकदम ठंडा ठंडा इसे सर्व कर सकते हैं। तो इसे एक कटोरी में हम सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी बनाना की खीर बनके रेडी है, बिल्कुल एकदम क्रीमी टेक्सचर आया इसका, और हमारे पके हुए केले जो हैं वो भी यूज़ हो गए हैं। हाँ, आप अगर बच्चों को बना के देंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये खीर बनाना से बनी हुई है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और मैंने बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता के साथ इसको गार्निश कर लिया है। तो आप भी इसे इस तरह से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं, आप अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनती है ये खीर। ये देखिए दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।